आंटी, आपने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? मैंने क्या नोटिस नहीं किया? That's really strange कि आपने नोटिस नहीं किया. मुझे लगा था कि आप तो नोटिस कर ही लोगे. मलिष्का, साफ साफ कहोगी कि ऐसा क्या है जो हमने नोटिस नहीं किया? यही कि ऋषि और लक्ष्मी सच में दूर दूर हो गए. दोनों आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे. इमोशनल फाइट हुई है दोनों की, जज्बात टकरा रहे हैं. और ईगो भी. एग्जैक्टली. पर इट्स रियली वियर्ड कि आपने कुछ नोटिस नहीं किया. देखा हमने, पर तुम लोग ऋषि को तो जानते ही हो ना, वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है. और आज के दिन तो उसका परेशान होना बनता भी है. पर इसका मतलब ये नहीं है मलिष्का की प्रॉब्लम खत्म हो गई है. मतलब कि जब तक प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं होती, तब तक नहीं समझना चाहिए कि वो खत्म हो गई है. हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा, अतीत से सीखना पड़ेगा. तुम तो लक्ष्मी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वो क्या है, क्या कर सकती है, हमसे बेटर तुम समझती हो. एक मिनट में सब कुछ बदल सकती है वो. बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें, दिल से खुशी हो रही है, ऐसी सुकून जैसी फीलिंग आ रही है. ये होटल इतने दिनों बाद खुला है. यहाँ हम उनके साथ आते थे, उनकी फेवरेट. वीरेंद्र के साथ, वीरेंद्र के साथ हम इस होटल में आते थे. और इस होटल से हमारा बहुत लगाव था, क्योंकि वीरेंद्र का इस होटल से बहुत जुड़ाव था. और जब वीरेंद्र था तब कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, अकेला फील नहीं हुआ कभी. जरूरत थी भाई के बारे में इस तरह बात करने की? क्यों जरूरत नहीं है? कब तक हम उसकी बातें करना बंद रखेंगे? जब वो दिल में है तो बातों में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, तुम प्लीज भाभी के पास जाओ ना, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है. उन्हें अच्छे से संभालना प्लीज. मैं मॉम के पास जाती हूँ. आई थिंक वो भी ठीक फील नहीं कर रही. हाँ करिश्मा. भाभी मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन मामा जी के साथ क्या हुआ था? नहीं, इस बारे में बात नहीं कर सकते. क्यों कभी कोई मामा जी के बारे में बात नहीं करना चाहता कि क्या हुआ था उनके साथ? ऐसा भी क्या है?